आरोग्य जागृति। दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, खास तौर पे महिलाओं से। आमतौर पर देखा गया है कि हाल के दिनों में महिलाएं काफी स्ट्रेस में जी रही है, काफी टेंशन में रहती है। क्या आपको लगता है घर परिवार के भीतर कुछ सही नहीं है, इसके कारण घर में टेंशन रहता है, आपके सर में दर्द होता है, घबराहट सी होती है, पसीना आने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी विषय को लेकर रात भर नींद नहीं आती है, इसलिए बिना किसी डॉक्टर के बताए आप नींद की गोलियां खा रही है या नशा कर रही है, या फिर इन सारी तकलीफों का इलाज आप किसी बाबा या तांत्रिक के पास ढूंढ रही है, तो सावधान, यहां इन सबका इलाज बिल्कुल भी नहीं होता। यहां जाने से आपकी तकलीफें और तेजी से बढ़ने लगेगी, आप परिवार से ज्यादा इन बाबा या तांत्रिक से परेशान रहने लगेगी। आपसे विनती है, किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। अगर आप चाहती है कि आपके परिवार में और सेहत में सुधार हो, तो मिलिए शहर के जाने माने डॉक्टर सना खादरी खिलजी से, जो महिलाओं के ऐसी ही तकलीफ को काफी सालों से दूर कर रही है। आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत। आरोग्य जागृति ने हमेशा एक प्रयास किया है हर एक स्पेशलिटी के बारे में मालूम देने का। आज हम हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल N6 सिडको में हमने देखा है कि पुरुषों में तो मनोविकार पेशेंट देखा है, लेकिन आज महिलाओं के पास भी ये ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? जो हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल के संचालिका है डॉक्टर कादरी मैडम, इनसे अपन आज इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। मनोविकार के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, सभी में बढ़ रहे हैं, भले आदमी हों औरतें हों, क्योंकि सबको टेंशन बढ़ रहा है। एक जो लाइफस्टाइल है हम जो आज जीते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें ज़्यादा हैं, और हर किसी को सबको जल्दी करना है। इस वजह से ये प्रेशर के अंदर जीने के वजह से, और आपसी ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, ये वजह से हर कोई टेंशन में गुजरता है। और औरतों में, ख़ास औरतों पे मुझे पूछा गया है तो मैं वो बोलूँगी, तो औरतों में बढ़ने की वजह है, सबसे आम जो मसला मेरे पास आता है भी, अक्सर जो पेशेंट आते हैं, नींद नहीं आ रही है, सर दर्द हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही, दम रुक रहा है, थरथरी हो रही, पसीना आ रहा, जिस्म में अलग अलग जगहों पे दर्द हो रहा है, उदासी लग रही, बेचैनी लग रही, कोई चीज़ में दिल नहीं लग रहा, ये सबसे आम। रात के लिए बैठना, बेहोश होना, ये बहुत ही आम है ये सब चीज़ें। और लेकिन ये लोग इलाज नहीं लेते हैं, इनको लगता है कि भाई माहिर नफ्सियाती अमराज या फिर साइकाइट्रिस्ट आने के यहाँ तो पागल पेशेंट जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये बहुत आम बीमारियाँ हैं भाई, सोच है, तो सोच से जुड़े हुए जो केमिकल्स होते हैं उनमें बदलाव होने के वजह से ये अमराज होते हैं। लेकिन इनका सिर्फ वो केमिकल अकेला नहीं होता है वजह में, इनके वजह में एक तो ये केमिकल बदलाव हो गया, दूसरा तनाव, जो भी तनाव से गुजर रहा है, जो टेंशन के मसले से गुजर रहा है, उस मसले को हल करना, टेंशन में मुसलसल रहने की वजह से ये बदलाव होता है। और जो माशरती बदल, अगर हम माशरे में कोई चीज़ बदल ला सकते हैं तो ये दोनों, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कहते हैं हम, ये तीनों चीज़ें उसके वजह में भी होती है, और तीनों चीज़ों को मिल के इलाज में भी देखना पड़ता है। तो औरतों में अगर देखा जाए तो सबसे आम सास बहू का मसला होता है कि भाई, या फिर उसके बाद आए तो भाई ससुर, देवरानी, जेठानी, ये सबसे मेन आपसी ताल्लुकात का मसला है। लोगों की दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ख़ुद की तरफ नहीं देखते कि भाई हम क्या कर रहे हैं, बस सामने वाले ने बहुत ज़्यादा करना है। कोई औरत बहुत अच्छी होगी पर वो बहू के साथ नहीं अच्छी रह पाती, बहू बहुत अच्छी होगी पर वो सास के साथ अच्छा नहीं रह पाती, जो भी ये है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और नहीं पूरा कर पाते हैं, और फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को प्रेशर करने लगते हैं या एक दूसरे को एक दबाव में रखने लग जाते हैं, फिर अच्छी बात नहीं करेंगे, टेढ़ा बोलेंगे, तंजिया बातें करेंगे, ये सब की वजह से अक्सर औरतें फिर टेंशन में रहने लगती है। फिर दूसरा देखा जाए तो औरतों को मसला आता है आमतौर पर शौहर से, शौहर से कोई मसला है, पैसे की तंगी है, या फिर शौहर से ताल्लुकात सही नहीं है, शौहर कोई चीज़ नशे में मुब्तला है या कोई गलत आदत में मुब्तला है, तो फिर वो बीवी को एक मुसलसल टेंशन का मसला हो जाता है, उसके वजह से वो जहनी मरीज़ बन जाती है। फिर बच्चों का टेंशन, औरतों को इस तरह से हर तरफ से
भले ही वो ससुराल हो, भले ही काम हो, शौहर हो, जिसमें हर किसी में सब नहीं होते, किसमें कोई तो किसमें कोई, तो ये सब प्रेशर्स के साथ औरतें, ये तो मसले पहले से ही हैं पर आजकल कोप नहीं कर पाते हैं औरतें, और ये वजह से इनको ये बीमारियां हो रही है। अब इलाज में दवाएं होती है और बहुत अच्छी दवाएं होती हैं आजकल, वो दवाओं से कोई नुकसान नहीं होता, वो दवाओं के अलावा जो टेंशन का मसला है वो हल करना आधे को आधा इलाज होता है। वो मसला जितना हल होगा उतनी कम दवा लगेगी, उतनी जल्दी दवा बंद भी हो जाएगी। और जो साथ वाले लोग हैं उन्होंने पेशेंट की बहुत ज़्यादा मदद करना, उसको समझ के लेना, उसकी ज़हनियत को समझना, उसकी बीमारी को समझना, जो कि अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं जाहिलियत की वजह से, उनको लगता है ये तो नाटक करिए, ढोंग करिए, कोई बीमारी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। बीमारी हर चीज़ की, जैसे आपकी हर अज़ा की होती है वैसा सोच के तवाज़ुन की भी बीमारियाँ होती है और इनका इलाज करना जरूरी होता है। मैम देखा गया है कि मनोविकार ट्रीटमेंट लेना बोले तो पागल माना जाता है, तो आप इसके बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? मनोविकार ट्रीटमेंट यानी पागलपन, एक ज़माना था जब सिर्फ पागलपन वाले पेशेंट आते थे और ये बीमारियों का ही इलाज, बाकी बीमारियों को बीमारियाँ ही नहीं समझी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारी 300 से ज़्यादा बीमारियाँ, जिसमें से एक 20-25 बीमारियां बोलूँ तो पागलपन वाली बीमारियां, बाकी बीमारियां ऐसी है टेंशन वाली, जो मैंने आपको अलामत बताई ये है, नींद की तकलीफ, सर दर्द, घबराहट, बेचैनी, उदासी, चिड़चिड़ापन, इस किस्म की बीमारियां हैं। और हर दूसरे इंसान, अगर आप NIMH के स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर दूसरे इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई नफसियाती अमराज या कुछ ना कुछ अलामत ज़रूर होंगे, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी टेंशन से गुजरता है। वो कितना टेंशन बर्दाश्त करने की क़ुव्वत होती है उसमें, उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या अलामत होंगे। तो हर कोई गुजरता है इससे, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है या पागलपन, पर ये आज भी है। कितना भी पढ़ा लिखा पेशेंट हो और कितना भी जानने वाला पेशेंट हो, वो आके यही बोलता है कि भाई हमको नहीं दवाई लेनी है, हम पागल नहीं हैं। पेशेंट आके पहली चीज़ यही बोलेगा। तो ये हमको जन जागृति की ज़रूरत है, हमको लोगों को मालूम देने की ज़रूरत है, जैसा बाकी अज़ा है आपके, बाकी बीमारियां हैं, जैसा बीपी का कैटाकोलेमिन्स होते हैं, वैसा इंसुलिन होता है डायबिटीज़ के लिए, थायरॉयड की बीमारी के लिए थायरॉयड होता है, वैसा ये दिमाग में तवाज़ुन के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, सीरोटोनिन और एपिनेफ्रिन, डोपामिन, इनके बदलाव की वजह से और तनाव की वजह से मिलकर ये बीमारियाँ हो जाती हैं और इनको इलाज की ज़रूरत है। ये कोई पागलपन वाली बीमारी नहीं है। सोच की तकलीफ, नींद की तकलीफ, दर्द की तकलीफ, खुशी की तकलीफ, ये बहुत आम है। और पागलपन वाली बीमारियों को भी क्यों बुरा समझना, वो भी एक केमिकल बदलाव की वजह से है, जो कि केमिकल बदलाव सही होने पे वो भी दुरुस्त हो जा सकती है। तो कोई भी बीमारी को हम, किसी इंसान को नीचा समझना या कोई बीमारी को, और कुछ बीमारियों की वजह से पूरी ब्रांच को बुरा समझना, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको इससे बाहर, उससे उभरना पड़ेगा। जो महिलाओं में घर में जो तनाव बढ़ रहे हैं, तो इस महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि हमको सबसे ज़्यादा औरतों को अपनाने की ज़रूरत है, औरतों को ही औरतों को अपनाने की ज़रूरत है, आदमियों को औरतों को अपनाने की ज़रूरत है, हमको उनको एक बराबर का इंसान समझने की ज़रूरत है, उनको एक निचला इंसान, पिछला इंसान नहीं समझने की ज़रूरत है। उनको अगर हम उनको अदब करेंगे, उनको प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, तो ये बीमारियाँ अपने आप बहुत कम हो जाएंगी, और अगर हो भी जाए तो ये बहुत जल्दी फ़र्क आता है। लेकिन अगर ये हिस्सा नहीं मिल पाता है तो ये बीमारियों के इलाज में बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ़ होती है, जल्दी फ़र्क नहीं आ पाता है। तो हमको औरतों को बहुत ज़्यादा अपनाने की और प्यार मोहब्बत देने की ज़रूरत है। सना मैडम ने काफ़ी महिलाओं के जो प्रश्न होते हैं उसके ऊपर इतना तवज्जो से बात करके अपने को समझाया है। हम भी यही चाहेंगे कि जो मैम ने बताया है, महिला ने अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, जो कि अपने घर में तनाव न बढ़े, यही हम चाहते हैं।